राजधानी लखनऊ के पशुपालन विभाग में स्टेनोग्राफर्स महासंघ का चुनाव था। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन जब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव को मंच पर बुलाया गया तो वो चुनावी वादों की जगह माँ और बीवी पर कविता सुनाने लगे। जिस दिन में माँ की मूरत थी तो राम गली को दे आया, शादी की पद से बना, शादी की पद से बना था, अपने रिश्तों को भूल गया। प्रत्याशी महोदय का कविता पाठ वहां मौजूद वोटर्स को पसंद नहीं आया और वो वहां से जाने लगे। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी एसके सिंह को मामला संभालना पड़ा। उन्होंने कविता पाठ पर तंज कसा और मुद्दे पर रहने की नसीहत दी। मेरे पास दो ही प्रत्याशी मैदान में है एक पद के लिए, इसलिए इनको बोलने का समय ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इस संचालन प्रक्रिया को वहां तक ले जाना है जब हमारा मतदान प्रारंभ होगा। इसीलिए हम दो प्रत्याशी हैं, इनको मैं ज्यादा समय दे रहा हूं, समय और परिस्थिति हिसाब से। शायद संभवतः यदि मेरे पास हर पद के प्रत्याशी होते मैदान में तो एक मिनट से ज्यादा समय न दे पाता, या दो मिनट तक ही अपनी बात कहने के लिए यहां पर वो कहता। अब तक चुनावों में कई जुबानी तीर सुने थे, लेकिन कविता पाठ का ये पहला मामला है। लगता है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव को याद ही नहीं रहा कि वो चुनावी मंच पर हैं, ना कि कवि सम्मेलन में। आदर्श कुमार, लखनऊ, जनमन टीवी।